सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने लखनवी अंदाज पाठ आपको समझाया, उसके बीच में से जो क्वेश्चन लघु प्रश्न बने उन पर हमने चर्चा की। अब हम आगे प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, तो कृपया अपनी अपनी पुस्तक खोलें, अपनी कॉपी पेन अपने हाथ में रखें और देखिए, पहले प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? तो यहाँ पर बच्चों देखिए, आप अभी अपने मस्तिष्क में पॉइंट बना लें कि हमने यहाँ पर क्या क्या बात लिखनी है। आप सभी जानते हैं कि लेखक जब डिब्बे में लेखक ने प्रवेश किया तो नवाब साहब की क्या ऐसे हाव भाव थे, क्या ऐसी भाव भंगिमा थी जिससे लेखक को लगा कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? तो पॉइंट्स अगर आपके पास होंगे तो आपका उत्तर बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो आप लिख लीजिए कि असंतोष का भाव छा गया। ठीक है, पहली बात कि नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष का भाव छा गया। दूसरी बात आप लिख लीजिए, जैसे उनके एकांत में बाधा, दूसरा पॉइंट अपने माइंड में रखने के लिए, एकांत में बाधा। ठीक है, बातचीत नहीं की। तीसरी बात, अनदेखा किया। चौथी बात, खिड़की से बाहर देखते रहे। पांचवी बात, डिब्बे की स्थिति पर ध्यान देने लगे। छठी बात, तो ये छह अब महत्वपूर्ण बिंदु हमने अपने दिमाग में बिठा लिए कि यदि हमें प्रश्न पूछा जाए कि लेखक को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि नवाब साहब बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थे, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? पॉइंट वाइज देखिए, अब मुझे ये छह पॉइंट मुझे पता है तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं जवाब दूंगी कि लेखक को डिब्बे में आया हुआ देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव छा गया। तो मैंने जो पहला पॉइंट बताया उसे मैंने स्पष्ट कर दिया। फिर ऐसा लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि वो आ गया, लेखक आ गया तो वो अकेले रहना चाह रहे थे और अब उनके एकांत में बाधा पड़ गई है। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की। भाई कोई भी अगर अजनबी आ गया रेल के डिब्बे में तो आदमी उसकी तरफ देखता, थोड़ी स्माइल करता और आइए बैठिए, कुछ कुछ भी इस तरीके का औपचारिकता जो थी वो अदा नहीं की, और तो और बात भी नहीं की। तो हमारे तीन पॉइंट यहाँ पर हमने क्लियर कर दिए। और चौथा पॉइंट हमने आपको बताया कि उनकी तरफ देखा भी नहीं, मतलब उन्हें अनदेखा कर दिया। और अनदेखा करके पांचवी बात थी कि खिड़की से बाहर देखने लगे। ठीक है, तो नवाब साहब खिड़की से बाहर देखने का नाटकीय अभिनय करने लगे या नाटक करने लगे, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे, मतलब ऐसे ऊपर नीचे देखना, बाहर देखना, बातचीत ना करना। तो ये सारी बातें जो थी, इन सारी बातों से लेखक को ऐसा लगा कि नवाब साहब बातचीत करने में तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो ये छह पॉइंट हमारे मन में रहेंगे, मस्तिष्क में रहेंगे और हम इनसे अपने उत्तर को अच्छे से बना पाएंगे। आशा है पहला प्रश्न का उत्तर आप सभी को स्पष्ट है। आगे देखते हैं बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न और उस पर चर्चा करेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा। खीरे की पूरी प्रक्रिया थी ना, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, क्या कारण रहा होगा, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव की तरफ इशारा करता है? ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप बता सकते हैं कि नवाबों के मन में अपनी नवाबी की धाक जमाने की बात रहती है। वो सदैव अपनी नवाबी दिखाना चाहते हैं कि मैं नवाब हूँ, मैं लखनवी नवाब हूँ, और अपना अंदाज दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने खीरे को काटा, नमक मिर्च बुरका, खाने की बजाय उसको फेंक दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया और ऐसा करने से उनका कैसे स्वभाव के उनके कैसे स्वभाव के बारे में हमें पता चलता है? तो हम इसमें बच्चों कहेंगे कि
उन्होंने अपनी नवाबी की धाक जमाने की बात उनमें रहती है, तो पहला पॉइंट जो हम अपने मन में रखना है वो लिखेंगे हम कि नवाबी की धाक जमाने की बात, ठीक है, समाज के तरीकों से अलग, ठीक है। तो अब इसको हम स्पष्ट कैसे करेंगे कि नवाब साहब के मन में अपनी नवाबी की धाक जमाने की बात रहती है, इसलिए वे सामान्य समाज के तरीकों से अलग चलते हैं या तरीकों को ठुकराते हैं, ठीक है, और नए नए सूक्ष्म तरीके खोजते हैं। सारे लोग, साधारण लोग जो हैं वो खीरे को काटते हैं, धोते हैं, छिलते हैं, काटते हैं, नमक मिर्च भूनते हैं और खाते हैं, लेकिन इन्होंने दुनिया से अलग, समाज से अलग क्या कार्य किया कि इन्होंने सारे प्रक्रिया तो की, लेकिन उसके बाद उसको खाने की बजाय उसको सूंघ कर इन्होंने खिड़की से बाहर डाल दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सामान्य समाज के तरीकों को ठुकरा रहे हैं और नए नए सूक्ष्म तरीकों को खोज रहे हैं जिससे उनकी अमीरी प्रकट हो। तो यहां अब हमने पॉइंट क्या बना लिया, पहली बात नवाबी की धाक जमाना, दूसरी बात सामान्य समाज के नियमों को ठुकराते हुए क्या करना, अपनी अमीरी को प्रदर्शित करना, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कहेंगे कि नवाब साहब अकेले में बैठे बैठे खीरे खाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु लेखक को सामने देखकर जब उन्होंने देखा कि लेखक जो है वो सामने आ गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नवाबी दिखाने का उनको अवसर मिल गया और उन्होंने दुनिया की रीत से हटकर खीरे को सूंघा और सूंघ कर उसको ऐसा दर्शाया कि उनके उधर की पूर्ति हो गई और उन्होंने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो इस प्रकार उन्होंने अपने लेखक जो था, लेखक के मन पर अपनी अमीरी की धाक जमाई, ये भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न था कि उनके कैसे स्वभाव की और इशारा किया गया है, तो कैसा स्वभाव, उनका कौन सा स्वभाव, उनका नकारात्मक सनक का स्वभाव को उन्होंने दर्शाया है, नकारात्मक सनक और दिखावे की प्रवृत्ति को उन्होंने अपने व्यवहार में दिखाया है। तो ये दो चीजें आप, ये दो शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारा उत्तर को दोबारा से एक बार चर्चा कर रहे हैं हम, दोबारा से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले नवाब साहब ने ये सब जो प्रक्रिया की थी उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, अपनी नवाबी की धाक जमाने के लिए, वो सामान्य समाज के तरीकों को ठुकरा रहे थे और अपनी तरफ से नए नए तरीकों को खोज रहे थे। जब वो अकेले बैठे थे तो वो खीरे की तैयारी करना चाह रहे थे, परंतु लेखक के आने से उनको ये अवसर मिल गया कि वो अपनी नवाबी को प्रदर्शित करें, अपनी नवाबी को दिखाएं। उन्होंने दुनिया की रीत से हटकर खीरे के को जो है वो सूंघा और सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनकी ये प्रक्रिया उनके दिखावे की प्रवृत्ति को, दिखावे के व्यवहार को प्रदर्शित करती है और प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार से वे नकारात्मक सोच रखते हैं, कुंठित सोच रखते हैं। तो आशा है प्रश्न दो आपको स्पष्ट हुआ होगा। प्रश्न तीन की तरफ चलते हैं। बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? तो बच्चों, इस पाठ का हमने आपको उद्देश्य बताया था, दो उद्देश्य आपको मुख्य रूप से हमने बताए थे कि एक तो नकारात्मक सोच को प्रदर्शित करना, दिखावे की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करना, दूसरा आपको बताया था लेखक की तरफ से कि क्या बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। तो यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? तो ये दो बातें यहां पर दिखाई गई थी और इन दो बातों के अंतर्गत हम यहां पर, हमें दूसरी बात को पूछा गया है कि आप सहमत हैं, क्या ये सही बात है कि बिना विचार घटना और पात्रों के कहानी लिखी जा सकती है। तो मैं अपना मत यहां पर दे रही हूं कि मेरे मतानुसार मैं यशपाल जी की बात से बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूं, ठीक है। क्या बात से, कि बिना घटना पात्र और बिना विचार के कहानी नहीं लिखी जा सकती। कहानी का अर्थ है क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ। तो जब मेरे पास ये तथ्य ही नहीं होगा, मेरे पास ये आधार ही नहीं होगा, तो निराधार रूप से मैं कहानी की रचना कैसे कर सकती हूँ। तो अतः जब घटना नहीं होगी तो यह कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ, और बिना पात्रों के कुछ होगा कैसे, घटेगा कैसे,
कहानी में कोई ना कोई विचार, बात या उद्देश्य अवश्य होता है, और अगर नहीं है तो कहानी की रचना नहीं हो सकती, कहानी का निर्माण नहीं हो सकता। तो आशा है आप मेरी बात से पूर्णतः सहमत होंगे। प्रश्न चार पर चर्चा करेंगे। प्रश्न चार की तरफ देखिए कि आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे, और अगर देना चाह रहे हैं तो क्यों। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पाठ दिया हुआ है लखनवी अंदाज, ठीक है। हम और क्या क्या नाम दे सकते हैं बच्चों? हम दे सकते हैं ख्याली पुलाव, ख्याली पुलाव द्वारा उदर पूर्ति, ठीक है। हवाई भोज, यानी हवा में ही भोजन हो गया, ठीक है। और हम क्या दे सकते हैं लखनवी अंदाज की जगह? हम दे सकते हैं लखनवी नवाबी या नवाबों का दिखावा, प्रदर्शन की प्रक्रिया, ठीक है। तो इनमें से हम कुछ भी ऐसा जो पूरी कहानी के केंद्र बिंदु को प्रभावित करता हो, हम उसे अपनी कहानी का टाइटल, शीर्षक बोल सकते हैं, कह सकते हैं। और हम ऐसा क्यों कहेंगे ख्याली पुलाव या हवाई भोज? क्यों? अब अगर मैंने ये सोचा कि हवाई भोज, तो ऐसा मैं अगर रख रही हूँ इसका शीर्षक, तो क्यों रख रही हूँ? क्या कारण है? क्योंकि इसमें मतलब सारी चीज हवाई तरीके से प्रदर्शित की गई है। जब एक व्यक्ति ने कुछ खाया ही नहीं, आप प्रतिदिन थाली अपने सामने रखें और उस थाली को देखें और सूंघें और उसका रसा स्वादन सिर्फ देखकर सूंघकर कर लें, तो क्या आपके शारीरिक जो अंदर रचना है, क्या उसकी पूर्ति हो जाएगी? क्या आपके शरीर को वो विटामिन्स, वो प्रोटीन, वो मिनरल्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स, क्या सब मिल जाएंगे? नहीं। तो ये तो हवाई भोज हुआ ना, कि जब किसी व्यक्ति ने कुछ खाया ही नहीं, तो वो उसकी उदर तृप्ति कैसे हो सकती है, उदर पूर्ति कैसे हो सकती है? तो आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपसे अनुमति चाहूंगी और कल की कक्षा में आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, प्रश्न 5 से। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।